नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। संसद का शीतकालीन सत्र एक बार फिर शुरू हो गया है और एक बार फिर सवालों से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। उसके सामने तीन मुद्दे, तीन गंभीर मुद्दे मुंह बाहे खड़े हैं, मगर मजाल है एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार दे। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को ताना मार रहे हैं कि जो लोग 80 बार हार चुके हैं वो लोग संसद की कार्रवाई में व्यवधान गतिरोध पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर आज भाजपा सरकार के सामने तीन बड़े मुद्दे हैं और तीनों ही मुद्दों का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को शानदार जीत मिली है, बावजूद उसके भाजपा सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। हर गुजरते दिन के साथ अहंकार जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। आज जो तीन मुद्दे उसके सामने, वो कौन कौन से मुद्दे हैं? जिस तरह से एक अमरीकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है, संभल के अंदर 5 लोगों की मौत हो जाती है फायरिंग में, और मणिपुर जहां हालात कंट्रोल में नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक वहां नहीं पहुंचे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस मंच के जरिए हम अडानी पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं, मगर जब एक अमरीकी अदालत ने अपने आदेश में यह आरोप लगाए हैं कि उन्होंने धोखाधड़ी की है और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले की जांच क्यों नहीं करवा रही? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर ताना देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं, राज्यसभा का क्लिप है। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रूल नंबर 267 के अंतर्गत अडानी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, मगर देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जिनके तेवर किसी भाजपा नेता से कम नहीं है, उसे मना कर देते हैं और कहते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। क्या नजारा दिखा राज्यसभा के अंदर, आप खुद देखिए दोस्तों, जिससे पता चलता है कि इस मुद्दे पर भाजपा किस कदर रक्षात्मक मुद्रा में है। देखिए क्या हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। टू सिक्स सर, नोट ऑन 267। 267? नो, दैट आई माय रूलिंग इज ओवर। नो नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर। देखिए, यू आर क्वेश्चनिंग रूलिंग ऑफ द चेयर। इफ यू सस्पेंड द टुडेज बिजनेस वी कैन एक्सप्लेन, बिकॉज द अदानी वन सेकंड सर, रिगार्डिंग दिस bribery case is affecting the entire country. Nothing is going on record. And nothing is going on record. No. Entire country. Nothing is going on record. And nothing is going on record. Consistently, nothing is going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Modi. Nothing is going on record. Modi ji is. अरे Modi ji is supporting him. And दुनिया में। और फिर असली मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय क्या होता है दोस्तों, असली मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित कर दी जाती हैं। लोकसभा के अंदर क्या नजारा देखा वो भी आप देखिए। विपक्ष मुद्दे उठा रही थी मणिपुर का, विपक्ष संभल का मुद्दा उठा रही थी जहां 5 लोग मारे गए, विपक्ष अडानी का मुद्दा उठा रही थी, मगर नहीं साहब, लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। क्या नजारा था खुद देखिए आप। माननीय सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप सभी बैठे और सदन की कार्रवाई चलने दीजिए प्लीज। आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज प्लीज, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है और ये सवाल गंभीर है। ये सवाल ये है
कि आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के मुद्दे पर चुप हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। देखिए, अडानी का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में भारत के लिए शर्म का और भारत की छवि को बिगाड़ने का, धूमिल करने का विषय बन गया है। कीनिया से अडानी को भगाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से अडानी को भगाने के लिए आंदोलन चल रहा है, मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ की लूट का मामला सामने आया है, दुबई से लेकर दुनिया के तमाम देशों में अडानी भारत का अपमान करवा रहा है, भारत की छवि धूमिल करा रहा है, और इससे बाकी जो व्यापारी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको भी लगता है कि जब एक ही आदमी के लिए भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं तो हमारे रोजगार का क्या होगा। इतना बड़ा प्रमाण आने के बाद, 2200 करोड़ की रिश्वत का प्रमाण आने के बावजूद प्रधानमंत्री खामोश है, पूरी की पूरी सरकार खामोश है। हम क्या डिमांड कर रहे थे हिंडनबर्ग के टाइम में, जेपीसी बनाओ। अभी क्या कह रहे हैं, जेपीसी बनाओ। आपने हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी का ठेका दिया, सौर बिजली का ठेका दिया अडानी को, जिससे जनता को लूटा गया है। आपसे हमें कोई लेना देना नहीं, आपकी बहुत दोस्ती है अडानी से, दोस्ती निभाइए, रोज शाम को उनके अपने घर बुलाइए, उनके जहाज से टहलिए, उससे हमें ज्यादा आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमें इस बात से है कि हिंदुस्तान की जनता का हजारों करोड़ रुपए महंगी बिजली के नाम पर अडानी ने लूटा है, उसकी जांच की बात हम कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, पार्लियामेंट में जनता की आवाज उठाना चाहते हैं कि पूरे देश में महंगी बिजली बेच रहा है अडानी, इसकी जांच कराओ, रिश्वत अधिकारियों को खिला के महंगी बिजली बेच रहा है, इसकी जांच कराओ, तो इसमें क्या गलत है। मैंने 267 का नोटिस दिया है और मैंने मांग की है कि सारे कार्यों को रोककर सदन में इस विषय के ऊपर चर्चा कराई जाए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सख्त तेवर अपनाए हैं। पार्टी के नेता जयराम रमेश का बयान आपके स्क्रीन पर। जयराम रमेश कह रहे हैं, इंडिया की पार्टियों ने आज लोकसभा और राज्यसभा में मोदानी मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। इस पूरे मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग की गई है। हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा रिश्वत देने और भारतीय और अमरीकी नियामकों से जानकारी छिपाने के आरोपों की वजह से यह मामला गंभीर हो गया है। दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अडानी के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो सख्त हो गया है। मगर मैं चाहूंगा कि आप पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का इंटरव्यू देखें। यहां पर सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि संसद के सत्र शुरू होने से पहले अडानी का मुद्दा सामने उभर कर आता है। सबसे पहली बात, ये जो दो घटनाक्रम है, अमरीकी अदालत का फैसला है, ये किसी अखबार की खबर नहीं है। दूसरी बात, कीनिया ने अडानी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए हैं, सारी संधियां रद्द कर दी हैं। ये दो सरकारों का फैसला है, मगर यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो अडानी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्या मजबूरी है इस तरह से भारतीय जनता पार्टी गौतम अडानी को डिफेंड कर रही है। तो एक तरफ गौतम अडानी का मुद्दा और दूसरी तरफ मणिपुर पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश, इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, और यह अपने आप कितना शॉकिंग है। और फिर उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर सख्त हैं, कह रहे हैं कि यह फायरिंग नहीं, यह साफ तौर पर हत्या है। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, आइए सुनते हैं। ये सबसे पहली बात तो यह है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बग़ैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने, उन्होंने एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जबकि आपने किसी इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है।
और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पर कर रहे हैं ये, और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पर थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज़ है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, ये मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। दोस्तों आप जानते हैं ये मामला क्या है। इस मामले में एक स्थानीय अदालत ने वहां की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए थे सिर्फ 2 घंटे में। और जब उन्होंने आदेश दिया तो उन्होंने मुस्लिम पक्ष को सुना भी नहीं। फिर वहां पर सर्वे करने के लिए ASI की टीम जाती है। ASI की टीम वहां जय श्री राम के नारे लगा रही होती है और फिर फायरिंग में 1 नहीं 5 लोगों की मौत हो जाती है। ये तमाम सवालात उठ रहे हैं और ऐसे में संभल में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं दोस्तों, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो जहां पुलिस ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, या फिर संभल में 5 लोगों की मौत, ये तमाम मुद्दे हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर राहुल और प्रियंका गांधी ने भी सख्त तेवर अपनाए हैं। राहुल गांधी का तल्ख बयान आपके स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल को बिगाड़ दिया है और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। राहुल आगे कहते हैं, भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना ना प्रदेश के हित में है ना देश के हित में। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनी रहे। बड़ा प्रश्न, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शांति और सौहार्द की अपील की? क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? क्या प्रधानमंत्री ने शांति और सौहार्द की अपील की? राहुल गांधी अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं की? आज तो उन्होंने पत्रकारों से बात किया था ना, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द की अपील की? आप बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दे सकते हैं, एक है तो सेफ है जैसे नारे दे सकते हैं, मगर संभल में हालात बद से बदतर हो रहे हैं उस पर आप खामोश रहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके स्क्रीन पर, वो कहती हैं संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना ना जनता के हित में है ना देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। और यहां पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा शांति की अपील कर रहे हैं, मगर यह अपील मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने नहीं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की। और इन तमाम सवालों से बचा जा रहा है लोकसभा के सत्र में। आखिर क्यों? सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।